बहुत बुरा हाल है भाई, काल बैठे हुए हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा बन दिया है। जिसका इसका सीट नहीं है उससे डबल इसमें रखते हैं, मतलब समझिए अगर 100 सीट है तो 500 लोग जो है उससे बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा है। घर ये कि हम लोग कभी करें ना वीडियो तो हम भी कर दिए। पैसेंजर है मेरी, और खाना कम से कम ऊपर है, खाना तो लाओ कम से कम साथ में। तो टडोवा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है, और यहाँ से आप टडोवा नेशनल पार्क जा सकते हैं। पूरा मतलब एडवेंचर बना के रखा गया है यहाँ पे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ राजीव आर्य, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्य को। तो अभी हम हैं रांची रेलवे स्टेशन यानी कि RNC, और इसका जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे। 535 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो अब जो हम दिखाने वाले हैं ना इस ब्लॉग में, आपको रांची से सिकंदराबाद के बीच में दिखाने वाले हैं पूरा जर्नी। और अभी तो रात हो गया है, 10 मिनट बिफोर पहुँचाइए। और ये देखिए भीड़, स्लीपर का भीड़ ऐसा होता है, देख लो। तो कोई तो देख लो वीडियो को, जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगवा दो यार, बहुत लोग कमाने जाते हैं। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो बाथरूम में भी लोग जाके रह रहे हैं। तो क्या सीन है यार, बहुत खतरनाक वाला सीन है। तो रांची में हॉल्टिंग ट्रेन की संख्या 40 है, और 28 ओरिजिनेट 28 टर्मिनेट होते हैं। बाकी देखो भीड़ देखो आप। और दूसरी बात क्या है ना कि इसे जो ओपन किया गया था वो किया गया था 1908 ईस्वी में। अराइवल दिखा दिए थे पहले ब्लॉग में, जाके देखो, पहले ब्लॉग नहीं देखो तो बहुत ही मज़ेदार है। और अब जो आएगी ना, अब सारा चीज़ दूसरे ब्लॉग में आएगी। अभी हम उड़ीसा में राउरकेला पे स्टॉपेज है, अगला स्टॉपेज, उसके बाद झारसूडा, और फिर छत्तीसगढ़ में जाएगी उसके। ओ भाई साहब, तो चलिए सबसे पहले खाना देखते हैं और उसके बाद कोई काम होगा, क्योंकि बहुत तगड़ा भूख लगा भाई, बहुत तगड़ा। ये सब खा के तो नहीं हो पाएगा, ये सब खा। भैया खाना मिलेगा क्या? खाना बिरयानी बिरयानी आगे भाई। ओ भाई साहब, ये देखो बहुत बुरा हाल है भाई। कहाँ जाओगे भाई? उसका बना लेंगे, मुझे बैठा हुआ। किसका बैठा हुआ? उसको बनाइए, हर से का यही हाल है, समझे ना। 2 महीना पहले करवाया, अभी तक वेटिंग डाला है। देखिए भीड़ देखिए बहुत। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं सिकंदराबाद जा रहे हैं। सिकंदर तो कमाने जा रहे हैं? नहीं जी, नहीं देखो काल बैठे हुए हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। रेंटू दो महीना भाई पहले रिजर्वेशन कराया है, वेट लिस्ट बन दिया है। जिसका इसका सीट नहीं है उससे डबल इसमें रखते हैं, मतलब समझिए अगर 100 सीट है तो 500 रखते हैं सीट यहाँ पे। सही बात है, कुछ खाना तो नहीं मिल रहा है, क्या कीजिएगा भाई, बहुत कष्ट है। और एक पुलिस वाले आए, कुछ है वीडियो डिलीट करो डिलीट करो। कहा है डिलीट करे, बताएं ऐसे से बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके ओके। खाना नहीं मिल रहा है, स्थिति कुछ ठीक है इधर, खाना नहीं मिल रहा भाई। चलो वापस चलते हैं, और वही समोसा वमोसा खा लेते हैं, क्या करेंगे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। देखो भाई यही होता है ट्रैवलिंग में, इतना कष्ट रहना पड़ता है, खाना जब नहीं मिलता है तो ये खा के रहना पड़ता है, समझ रहे हो, कष्ट ये है। तो बात ऐसा है कि भाई कोई देखो और इस ट्रेन को डेली करवाओ दरभंगा सिकंदराबाद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग जो है ना, लोग जो हैं उससे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो डिपार्चर हो चुकी है, ओ तो
भाई अंडा बिरयानी लेना पड़ा है 100 रुपये का ही, समझ रहे हो, कुछ भी खाना ही पड़ेगा। चलो खाते हैं। राउरकेला जंक्शन, तो 706 किलोमीटर के बाद हम पहुंच गए राउरकेला। और राउरकेला जो पड़ता है वो उड़ीसा में पड़ता है, ROU इसका कोड है। यहाँ पे हॉल्टिंग ट्रेन की जो संख्या 102 है, ऑरिजिनेट की 9 और टर्मिनेट की 9, बाकी जो प्लेटफॉर्म की संख्या बताए तो 5 है। तो चलिए इसके बाद झारसुगड़ा आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश करिए बिलासपुर में। और पूरा सुनसान 12:00:02 पे है इसका यहाँ पे आने का टाइम, लेकिन 5 मिनट डिले से आइए भाई, तो 8 मिनट का स्टॉपेज है। और दूसरी चीज़ जो बताएं तो जोन आता है SER में, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन यहाँ से बिलासपुर के लिए, उसके बाद हावड़ा नागपुर के लिए, और आपको रांची के लिए यहाँ पे बदल सकते हैं जनरली। गुड मॉर्निंग, अभी 6 बज रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं जहांगीर नैला, और हमारी ट्रेन 1:33 डिले हो चुकी है ऑलरेडी। देख रहे हो पीछे लगी हुई है, यहाँ स्टॉपेज है नहीं एक्चुअली। और तो मालगाड़ी को जाने दिया जा रहा है और हमें ब्रेक किया जा रहा है, तो इससे और डिले होगा गाड़ी। क्या बताएं भाई, 1:33 हो गया, मतलब एक ही स्टेशन, अभी बिलासपुर भी नहीं आया, और फिर बिलासपुर आएगा, रायपुर आएगा, फेरा लग गया यार। प्यारा हो चुका है भाई। और ये सुबह देख रहे हैं आप, ये है छत्तीसगढ़ से बिलासपुर जंक्शन। समुद्र तल से ऊंचाई 292.30 मीटर। कौन सा एक्सप्रेस है ये? गोंडावाना एक्सप्रेस है। भाई साहब बिलासपुर पहुंचे हैं और बिलासपुर 2 घंटे लेट पहुंचाई है, तो अभी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और इसके बाद फिर आएगी रायपुर। देखो क्या होता है भाई, 2 घंटे जान रहे हो ना, समझ रहे हो ना कितना डिले होता है। और ये रहा आपका बिलासपुर। सुबह की किरणें बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा मस्त चमक रही है। गर्मा गर्म चाय ले लिए और बहुत ही मज़ा आएगा पीने में। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपको कॉफ़ी या चाय टेस्ट करना है ना कि सही है या गलत, तो आप पीने के टाइम अगर आपका ओठ जल जाए ना, या आपका जीभ जल जाए टंग, तो आप समझ जाओ कि पूरा पानी वाला सीन है। तो ये बात है, और मेरा जीभ जल चुका है, क्या ही बताएं आप, क्या ही कर सकते हैं। BSP यानी कि बिलासपुर से हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है और इसके बाद आएगी रायपुर। भैया बहुत लेट हो गई है। फिलहाल आप छत्तीसगढ़ की हवाओं का मज़ा ले रहे हैं, मतलब हम ले रहे हैं, आप व्यू का मज़ा ले रहे हैं, और कितना ही प्यारा है। रायपुर आने ही वाला है अभी, बट यार इसे लाइन क्लियर नहीं दिया जा रहा है। 1:50-10 तो मैनेज किया है, बट देखिए क्या होता है। Thank you.
जंक्शन। बहुत भीड़ है भैया, तो भैया पहुंच गए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और इसका जो कोड है वो है सिर्फ आर, और ये भी एक डिवीजन रेलवे स्टेशन है। हॉल्टिंग ट्रेन की जो संख्या है वो है 149, ओरिजिनेट 21, टर्मिनेट 21 होती है। बाकी इसे 1888 में बनाया गया था और प्लेटफॉर्म 7 है, एक बन रहा है अभी, ऑलरेडी काम चालू है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ से विजयनगरम के लिए आप गाड़ी बदल सकते हैं, बाकी सब मस्त है, साफ़ सुथरा है। ये देखें कि पूरा एकदम हर चीज़ सिस्टमेटिक है, ठीक है। हाय, कर ये कि हम लोग कभी करें ना वीडियो, तो हम भी कर दिए, तो हाय कर रही थी। तो जोन जो आता है SECR में आती है, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, और 5 लाख से ज़्यादा हर दिन लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। चलिए कुछ खाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। कैसे अंडा बिरयानी? 60 रुपये। और वो ये आइए, ये 70 रुपये, ये 70 रुपये। तो लिए इडली, और इडली तो पता ही है आपको, जैसे जैसे साउथ में बढ़ते जाएंगे इडली आपका साथ पकड़ते जाएगा। तो इडली खाना है और प्रभु के गुण गाना है और धीरे धीरे पहुंच जाना है। तो इडली और सांभर अच्छा था और काफ़ी अच्छा लगा, पौष्टिक भी होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। डिपार्चर दिखा नहीं पाया। इसके बाद आएगा दुर्ग, दुर्ग में भी स्किप कर देंगे। उसके बाद गोंदिया आएगा, बल्लार सा महाराष्ट्र में आ जाएगा। सरोना और करोना वहन तो नहीं? हाँ जी भाई साहब, सरोना और करोना वहन तो नहीं, इसका रिप्लाई करें और बताएं। तो कोच का हाल एक बार सोचिए, आपको दिखा देते हैं। कोच ऐसा ही है जैसे ICF में नॉर्मल दिखता है, और फर्स्ट पार्ट में तो पूरा दिखाया है, तो ठीक है। तो एक चीज़ तो साफ है कि क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, और बेसिंग भी ठीक है, मतलब टॉयलेट काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। और इतनी दूर से ट्रेन आ रही है, समझ रहे हैं, और फिर भी इतना क्लीन है तो मैटर करता है। तो अभी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक है डोंगरगढ़ जो कि शहर जो है वो छत्तीसगढ़ में, और इसका जो टाइगर रिजर्व है डोंगरगढ़ टाइगर रिजर्व, वो छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और मध्य प्रदेश में भी है, बॉर्डर होते हुए जाएगी हमें। देखो ये सब अब स्टार्ट हो गई है, ये फॉरेस्ट जोन है, देख रहे हो, अभी फिर मजा आएगा बहुत ज़्यादा।
पक्का वाटरफॉल है यहाँ पे 100%। कैसा लग रहा है सफर आपको? वो देखिए वाटरफॉल था वहाँ पे, अरे रे था वहाँ पे, अभी बहुत प्यारा। तो भाई साहब इतना प्यारा व्यू है ना, क्या ही बताएं मतलब। और आपको कैसा लगा बताइए, बोलिए तो सही। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। को पैसेंजर है मेरी, और पहुँच जाएगा, फोन बहुत महंगा है। तो मेरी को पैसेंजर है और इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है ये जर्नी, मतलब ये जर्नी का जो ये पार्ट है ना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये पूरा फॉरेस्ट जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। गाड़ी कभी उधर मूव हो रही है, कभी इधर मूव हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल कहाँ है, महाराष्ट्र के गोंदिया में। पागल है, ये भी सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें। तो भैया काफी डिले हो चुकी है, 3 घंटा 10 मिनट। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? तो भैया 4 घंटा हो गई है। तो भाई साहब फिलहाल पहुंचे हैं गोंदिया जंक्शन, और महाराष्ट्र में जिसका कोड है G, और यहां से ऑरिजिनेट ट्रेन की जो संख्या है वो है 19, टर्मिनेट की 19, और हॉल्टिंग ट्रेन 108 है। यहां से नागपुर लाइन जा सकते हैं, जोन जो आता है ये स्टेशन है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और जोन जो आता है ना वो आपको आता है SEC यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। देखो बहुत सही है, खाना कम से कम ऊपर है, खाना तो लाओ कम से कम साथ में। तो 2 खाना ले चुके हम लोग, और देख लो नहीं आ रहा आपका, तो खाएंगे अभी। ट्रेन ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, बहुत ही प्यारा खाना मिलता है इधर, तो अच्छा मिलता है भाई। उधर बिहार में बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि आप मत लें, और यहाँ पे फूड ट्रैक है तो वहाँ से ले सकते हैं, बहुत सही है। और अंडा है, रोटी है, चावल है, खाते हैं फिर बताते हैं। देख रहे हो खाना जो था ना बहुत ही टेस्टी था, और थिकनेस भी दाल का अच्छा था, कड़ी भी अच्छी थी, और क्या ही बताएं मतलब पैसा वसूल था, और बहुत अच्छा भी लगा खाने में, सभी सही मात्रा में था यार, इधर सही देते हैं यार। और कल तो खाया था वो बिहार वाला, बहुत ही गंदा था, बहुत ही ज़्यादा 130 रुपये लिए भी थे, और खाया भी नहीं था ढंग से। तो ये चीज़ है, बाकी मेरी ट्रेन खुल गई है। मध्य रेलवे, वो भी ट्रेन हमारे साथ ही चलेगी क्या? कहीं और जाएगी, जंक्शन है तो कहीं भी जा सकती है, बाकी खुल गई है।
तो पहुंच गए हैं भैया बल्लार सा, और यहाँ का जो है ना ये देखो टाइगर बहुत फेमस है। और क्या क्यों फेमस है, क्योंकि चंद्रापुर जो फॉरेस्ट है वो अगल बगल ही है, मतलब ट्विन सिटी समझ लो वैसा है। तो जोन जो आता है वो सीआर में आता है, यानी कि सेंट्रल रेलवे, और डिवीज़न जो बोले नागपुर सीआर में आता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 670 फीट ऊपर है प्लेटफॉर्म, 5 ट्रैक 8 है। तो महाराष्ट्र अब ख़त्म होगा, तेलंगाना में एंट्री करेगा हमारा ट्रेन। तो यहाँ से आप टडोवा नेशनल पार्क जाते हैं जो कि प्रॉपर महाराष्ट्र में ही पड़ता है, और कितना ही मतलब ये होता है प्रमोट करना टूरिज़्म को, और कितना ही डेकोरेट करके रखा गया है रियल लैंड ऑफ द टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब एटोडोरा। देखो भाई पूरा मतलब एडवेंचर बना के रखा गया है यहाँ पे, दम तो है भैया। तो टडोवा नेशनल पार्क है ये, और यहीं से उतर के जाया जाता है, देख रहे हो कितना मेंटेन में रखा गया है यार। इधर फूड ट्रैक बहुत है यार, ये सही है, और ये एकदम परफेक्ट खाना देते हैं, देख रहे हो घर को भी क्या बना के गया। और हम लिए हैं अंडा, ये देखो भैंसा, ये बिहार का राष्ट्रीय पशु है। बल्लार सा को डिपार्चर कर रहे हैं हम, तो पहुंच गए रामागुंडम और बिना बाकायदगी किए हुए। इतना समझ लीजिए कि ये जोन आता है SCR, और बात ये है कि एक मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद सीधे अब मिलेंगे हम आपसे सिकंदराबाद पे, क्योंकि तो रात हो गया है, थोड़ा थकान हो गया है, तो मिलते हैं सीधे। हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पे 47 है, और बाकी जोन डिवीज़न जो है वो सिकंदराबाद ही है। डिपार्चर हो रही है और काजीपेट आएगी, काजीपेट जंक्शन, उसके बाद सीधे सिकंदराबाद हैदराबाद रामगुंडम। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं SC, और भाई रिव्यू टोटली बताना, तो रायपुर बिलासपुर और रायपुर के बाद जो दुर्ग तक डिले हुआ है, उसके बाद डिले नहीं हुआ है, 10-15 मिनट डिले हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है। तो इसी टाइम जो हुआ था, बाकी अच्छी चलाई है गाड़ी, मेकअप भी की है काफ़ी सारी, बाकी फिर मिलते हैं। कहानी तो अभी शुरू हुई है, बहुत अभी चलेगी, लंबी चलेगी कहानी, अभी शुरू हुई है। बाकी स्टेशन काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है, तो एक बार दिखा देते हैं मेरे पीछे जो देख रहे हैं, नहीं सर मेरे पीछे जो देख रहे हैं, एक सेकंड में ये एग्जिट हुआ, और इधर देखो, तो ये सिकंदराबाद था। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।